आपका एचडी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचडी। नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। और ये खूबसूरत सी शाम जो कि सम्मान समारोह के बीच हमारी प्रतिभाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हम सभी के बीच में है, तो आइए आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा है जो हमें ये सिखाती है कि सांझ का दीपक जो हर घर में जलता है। माननीय गणमान्य अतिथिगण, खास करके हमारी एलायंस सोशल एवं कल्चर सोसाइटी के देव, किसी भी कार्य का शुभारंभ हम गणेश वंदन। ये एलायंस सोशल एंड कल्चर सोसाइटी ने अवार्ड तरंगा आयोजित किया प्रोग्राम, और ये पता चला है कि जो अपने अपने क्षेत्र में, जैसे वकालत के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की उनका सम्मान करने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। आजकल मैं देखता हूँ हिंदुस्तान इतना बड़ा हो गया है, लेकिन बहुत खास आदमियों का लोग रिकॉग्निशन कर लेते हैं। इन क्षेत्र में जिन क्षेत्र में इन्होंने बुलाया है, इनको रिकॉग्नाइज करना, इनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करना, वाकई इट्स ए वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी अप्रिशिएबल टास्क। बहुत अच्छी बात है ये, और मैं इनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम आयोजित करके लोगों को ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे, सर्विसेज कर रहे हैं, उनको और साहस मिला कि मैं और अच्छा काम करें, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में जाकर अपनी हस्तियों को रिकॉग्नाइज कर सकें। जी एन शुक्ला, एडवोकेट चच्चू, अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ। ये प्रोग्राम लगभग विगत 5 सालों से चल रहा है। ये समाज के जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में दबाए गए, सताए गए, कुचले गए, पछाड़े गए, जो भी लोग हैं, ये संस्था उनको ऊपर उठाने का काम कर रही है। ये संस्था बधाई की पात्र है। मैं भी इस संस्था में विगत 2-3 बारों से आ रहा हूँ, इनके अच्छे कामों को देखते हुए हमने इनके हर आयोजन में शिरकत करने का मन बनाया है, और ये जब भी प्रोग्राम करते रहेंगे इनकी हर तरह से हम मदद करते रहेंगे, और इस तरीके से अच्छे काम करते रहें, लोगों को पुरस्कृत करें, समाज में लोगों को अच्छे बढ़ाने का काम करें। ये संस्था बधाई की पात्र है। हम दिल की गहराइयों से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए इनको आशीर्वाद दूंगा कि ये जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। सह अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, ये जो संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है कि जो जैसा कि चच्चू ने बताया, दबे कुचले लोगों को उठाने का जो कार्य करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ये संस्था उनको सम्मानित करती है, और ये लोगों के लिए प्रेरणादायी संस्था है, और इसी से लोग सीखते हैं और लोग जुड़ते जाते हैं, जैसे कि हम सब लोग जुड़े हैं और लोग भी जुड़ते जाएंगे, और ये संस्था दिनों दिन और आगे बढ़ती चली जाएगी। इनका जब भी आयोजन होगा हम लोग साथ देंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये संस्था बहुत अच्छी चलती रहे। थैंक यू सर। अवार्ड तिरंगा संजीव पांडे, एडवोकेट महामंत्री सेंट्रल बार। ये विभिन्न मुद्दों पे जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं समाज के, अपने अपने क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, जो भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पे आदमी अपने अपने माध्यम से समाज के उत्थान में अपना योगदान देता है, उसमें उन ऐसे व्यक्तियों को चुनती है और उनको सम्मानित करती है संस्था। एक अच्छा कार्य है इसका। एडवोकेट हाई कोर्ट, अध्यक्ष BDM ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ पर पहली बार असलम जावेद जी के द्वारा बुलाया गया। मैं यहाँ पर आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ कि ये संस्था समाज में दलित, पिछड़े, कुचले, दबे लोगों के उत्थान के लिए काम करती है, और उसमें हम अपना बराबर सहयोग करते रहेंगे। जब भी संस्था बुलाएगी हम आएंगे। लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ, आज अवार्ड तिरंगा के द्वारा जो भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, हृदय से मैं उसका सम्मान करता हूँ।
और इस आयोजन के माध्यम से शोषित अतिशोषित पिछड़े दलित चाहे वो भाई हो चाहे बहनें हो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो उस समाज के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ये धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा कार्यक्रम हर साल होता रहे पूरे परिचय के साथ। मैं ऋतु सिंह ARTO और परिवहन आयुक्त कार्यालय में इस वक्त मेरी पोस्टिंग है और आज ही मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मकर संक्रांति जबकि सूर्य जो है वो उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है उस दिन मुझे ये सम्मान मिल रहा है तो ये मुझे काम करने की एक नई ऊर्जा भी देगा और मेरा हौसला भी बढ़ाएगा। मैं काम को पूजा की तरह लेती हूँ, नौकरी को इस तरह से नहीं हम मैं लेती हूँ कि केवल एक जीविका का साधन है। जो भी वर्क मिलता है जो भी हमें ड्यूटीज़ मिलती हैं तो उसको पूरे मनोयोग से निभाती हूँ। और अब हम सब जानते हैं कि अब वो वाला समय नहीं रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में जिस तरह से कि अधिकारी जो होता है वो शासक होता था और जो जनता होती थी वो एक प्रजा के रूप में थी। अब हम लोग जनसेवक हैं तो मेरा जब भी काम करती हूँ मैं कहीं भी तैनात होती हूँ तो मेरा पूरा ये फोकस रहता है कि जनता के लिए जो प्रशासन है वो अकाउंटेबल बनाया जाए और जितना ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए उतना ही उसके हित में होगा। अब गोपनीयता और उसके लिए नहीं स्थान है कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं सरकार में जो भी योजनाएं चल रही हैं वो जिस तरह से क्रियान्वित हो रही हैं जनता उसको जाने उसका पूरा लाभ उठाए इसलिए हम उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बस इसी प्रयास में शायद मैं कहीं ना कहीं सफल रही हूं जो ये सम्मान आज मुझे मिल रहा है और जो अनाधिकृत लोग हैं उनके कहीं दखलंदाजी ना हो इस बात का मैंने विशेष ध्यान रखा तो जिसकी वजह से जनता में ये विश्वास जागा कि जब वो RTO ऑफिस में आते हैं तो उनका काम पूरी पारदर्शिता के साथ और सुलभ तरीके से हो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। पूरे परिचय के साथ बताइए सर इस कार्यक्रम का उत्सव क्या है। मेरा नाम सबीर अहमद एडवोकेट है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष यानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल बार एसोसिएशन वर्तमान समय में हूँ। ये जो अलायंस सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी का अवार्डे तिरंगा आज जो कार्यक्रम आयोजित है ये पिछले 5 वर्षों से हो रहा है और इन 5 वर्षों के दौरान उन दबे कुचले जिनकी कोई सहायता नहीं करता है उनकी सहायता करने के उद्देश्य से ये संस्था काम कर रही है और इस संस्था बहुत ही उम्दा काम कर रही है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। हमेशा इसने हर दबे हुए आदमी हर मजबूर आदमी की आवाज़ उठाई है और ऐसे लोगों को अवार्ड देने का फैसला किया है जिन्होंने इस फील्ड में खूब जम करके काम किया है। गरीबों को उनके स्तर को उठाने के से लेकर के हर तरह के काम में सहायता की है। हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के काम में भी बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं इसका पूरी तरीके से हिमायती हूँ और जब जब ये संस्था हम लोगों को बुलाती है हम लोग इस संस्था के साथ खड़े होते हैं हर काम में कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं। मैं दिलावर सैन सचिव अलायंस एंड कल्चर सोसाइटी के दौरान में ये प्रोग्राम कर रहा हूँ जो कि अलग अलग विभिन्न वर्गों से को सम्मानित कर रहा हूँ। कुछ मेडिकल से हैं कुछ शिक्षा से हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं कुछ प्रशासनिक सेवा से हैं इनको हम सम्मानित कर रहे हैं और ये मेरा उद्देश्य हर साल है। लगभग 5 साल से करते चला आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लीगल एडवाइज़र हैं अलायंस सोशल एंड कल्चर वेलफेयर सोसाइटी के। इसके लगातार 5 साल से ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उन लोगों को हम ढूंढ के लाते हैं जिनके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ती है लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो सराहनीय है उनको हम अवार्ड देते हैं। इस साल भी हम वही अवार्ड दे रहे हैं। आज हमें KK शर्मा मुख्य अतिथि हैं, प्रमुख सचिव न्याय रहे हैं और सह अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ UP के जयनारायण पांडे जी मौजूद हैं। हमारे लखनऊ बार सेंट्रल बार के अध्यक्ष और मंत्री हैं, BDM ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भोला पांडे जी हैं। तो तमाम लोग हम लोगों ने इकट्ठा किए हैं अलग अलग क्षेत्र से सबको कर रहे हैं और आइंदा से करते रहेंगे। सम्मानित पत्रकार का छायाकार का
उनके बगैर कोई भी कार्यक्रम कैसा भी हो, कहा जाता है कि उस कार्यक्रम में मुट्ठी भर लोग पहुंचते हैं, लेकिन दूसरे दिन जन जन तक वो खबर पहुंचती है, वो चित्र पहुंच जाते हैं, वो फोटो पहुंच जाती है उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, और तमाम जानकारियां हर इंसान के पास होती हैं। तो इस तरह से घर के हर एक बंदे तक और घर के हर एक सदस्य तक समाचार पत्रों के माध्यम से वो सूचनाएं पहुंचाने का जो श्रेय है वो हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और छायाकार बंधुओं को जाता है, जिसके लिए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए उनका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।